अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए नए जॉब्स लेकर आए हैं, एक बहुत ही बड़ी कंपनी में, दुबई की एक बहुत ही मशहूर कंपनी में। और एक बहुत ही बड़ी कंपनी में जॉब्स हैं ये, और जॉब्स भी ऑफिशियल जॉब्स हैं, ऑफिस वर्क रिलेटेड जॉब्स हैं। कोई ज़्यादा एजुकेशन नहीं चाहिए, कोई ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए उनको, कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही ईजी अपॉर्चुनिटी है, ऑफिस वर्क है। काइंडली वीडियो को पूरा देखिएगा। जिस बंदे ने वीडियो को पूरा देख लिया और उस तरीके से अप्लाई कर लिया, तो मुझे यकीन है, आई एम श्योर, कि आपको ज़रूर रिप्लाई आएगा उनकी तरफ से। आप जाके मेरे बाकी वीडियोस चेक कर सकते हैं, जिन लोगों ने वीडियोस पूरे देखे हैं, जिन लोगों ने 2-3 मिनट की वीडियो पूरी देखी है और उस तरीके से अप्लाई किए हैं, तो आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। उसके नीचे आप कमेंट्स देख सकते हैं। काफ़ी लोगों को रिप्लाई भी आया है, काफ़ी लोगों को जॉब्स भी मिले हैं, शुक्र है अल्लाह का। तो आप भी काइंडली वीडियो को पूरा देखिए। ये 2-3-4 मिनट की वीडियो होती है, इससे ज़्यादा आपकी वीडियो होती नहीं है मेरी। तो इसमें मैं पूरा डिटेल बताता हूँ, जॉब डिस्क्रिप्शन बताता हूँ और क्वालिफिकेशन बताता हूँ। फिर उसके बाद जो है, मैं काम कैसे मिलेगा आपको, अप्लाई कैसे करना है, वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो फिर आप अगर उस तरीके से अप्लाई करेंगे तो आपको जॉब ज़रूर मिलेगी आपको। अच्छा जी, तो ये जो जॉब्स हैं ये हैं डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की जॉब्स हैं। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का काम क्या होता है? डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का काम होता है ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स को कंट्रोल करना, डॉक्यूमेंट्स को असेस करना, डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करना। जिस तरह हमारे कंट्रीज़ में, जैसे जैसे हम क्लर्क भी बोल सकते हैं, क्लेरिकल वर्क है पूरे का पूरा। आप एज अ क्लर्क आपने काम करना है, मतलब फ़ाइल्स को हैंडल करना, फ़ाइल्स की हैंडलिंग करना, बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो गए उसकी हैंडलिंग करना, उसकी डिस्पैचिंग करना, उसकी रिसीविंग करना, फैक्स की, मेल्स की रिसीविंग करना, उसके प्रिंट आउट्स लेना, फिर उनको फाइलिंग करना, फिर उसको अगर कहीं और भेजना है, किसी और ऑफिस भेजना है, या HR ऑफिस में भेजना है, या मतलब मैनेजर के पास भेजना है, या किसी और कंपनी में भेजना है, तो वो सब आपने हैंडल करना है। एक्चुअली मतलब HR ऑफिस और बाकी जितने भी लोग हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स का जो काम होगा वो आपने पूरे का पूरा हैंडल करना है। ऑफिशियल वर्क है, इसके लिए उन्होंने कोई ख़ास क्वालिफिकेशन नहीं मांगा है। जस्ट आपको आप 12th पास होने चाहिए और आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी ऑफिस में काम करने का। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, क्लेरिकल वर्क का एक्सपीरियंस आपके पास थोड़ा बहुत होना चाहिए, तो आपको ये जॉब बहुत ईजीली से मिल सकती है। कोई ख़ास वो नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप अपनी एक प्यारी सी CV बनाइएगा, एक अपडेटेड पिक्चर उस पर लगाइएगा, अपडेटेड नंबर उस पर लिखिएगा जो नंबर आपका चल रहा हो, और अपडेटेड ईमेल एड्रेस उस पर लिखिएगा जो ईमेल एड्रेस आप हर रोज़ चेक कर सकते हो। तो काइंडली अपनी प्यारी सी CV बनाइएगा। मैं आपका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आपने क्या करना है, आपने जाना है उस लिंक पे, उससे एक वेबसाइट ओपन होगा, उसमें वो जो जो डिटेल्स मांग रहे हैं आपने उन डिटेल्स के हवाले से उस वहाँ पर डिटेल पुट कर देने हैं, और उसके बाद आपने अप्लाई कर देना और वेट करना है उनके कॉल का, उनके ईमेल का। तो जब आपको कॉल या ईमेल आएगी उनकी तरफ से, तो तब आपने जाकर इंटरव्यू दे देनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपके काम की ना भी हो तो किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की जॉब ढूंढ रहा हो, जो ऐसी जॉब ढूंढ रहा हो, क्या पता वीडियोस के काम आ जाए और उसको जॉब मिल जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।